गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 मई। कल लेट नाइट व्लॉग भी डाला है, अभी सुबह जल्दी भी उठ गया हूँ और आज बहुत सारे काम भी हैं। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत इस नई वीडियो के साथ। चलिए अभी मस्त ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है बाहर खड़े होके। आज क्या बनाओगी फिर रेनी डे सेलिब्रेशन में? जब बारिश का मौसम होता है तो प्याज और आलू बेचारे बेसन की चद्दर लपेट के गरम गरम तेल में लुढ़क पड़ते हैं। समोसे बना लो आज। पापा कह रहे कल कल बना ले, कल भी मौसम ऐसे रहेगा। इनको क्या चाहिए? मीठा और तला हुआ। मेरी वीडियो देख ली थी? और यहाँ हो रही है पूरे जोरों शोरों से बारिश। दूध, ब्रेड, दही, दाल, आली साबत दाल, ठीक है। दली दाल ले फिर कहे क्या? मेरे को दाल लेनी नहीं आती, भेज दे तो। एक बार तूने ऐसे चीखा था मुझे पर। मैं जा रहा हूँ। क्या हाल है भैया? कोल्ड ड्रिंक वाला आया हुआ था। मैं सोल्ड ड्रिंक सारा जो पड़ा है माल उतना बिकते वो बहुत है। कोल्ड ड्रिंक की सेल कहाँ आ रही है? ये कोरोना के चक्कर में लोग गले ना खराब हो जाए। हल्का सा खांसी भी आती ना, ठीक है ना। आज भी लग रहा है पूरे दिन ही चलेगी बारिश। मी मैं रेडी हो गया। क्या बनाया आज? अच्छा, बढ़िया। तो अब टाइम हो चला एक वीडियो शूट का। ये वीडियो है कोरोना वायरस, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के रिलेटेड। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप आराम से देख सकते हैं। झाड़ू लग रही है। ये इसमें से क्या निकला? देखो एक डंडी से निकला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 मई और मैं उठ गया हूँ और सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं ऊपर टैंकी देखने। जब देख रही हो कितनी है टैंकी? नीचे क्या इन्वर्टर भी बंद हो गया है? हमारे गिलोय के टब में पूरा पानी भरा पड़ा है। रात को इतना जोरदार तूफान था और अब देखो एकदम क्लियर वेदर है। रात को तो ऐसे था जैसे साइक्लोन आ गया यहीं। आधा एक घंटा तो रात को शू शा यही हो रहा था और अब ऐसे चिलमिलाती हुई धूप निकली हुई है। मैं 6 लाइनें खा ली हैं। 10 थे ना शाम को, दो और खाली हुई होंगी, 12, 6 भर गई। प्रॉफिट हो गया। ये देखिए कल रात को आंधी आई थी इसलिए हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया, लाइट भी नहीं है। मैं आज क्या बनाया? एक तो मुझे अंधेरे में ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। तो हम चल पड़े हैं गुड़गांव की गलियों में। गुड़गांव में अब केसेस तो कम हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन अब खुल जाएगा। ये प्याज कैसे दिए? 120 है जी, 5 किलो। तो मम्मी ने कहा था प्याज लेते आई हो, बट प्याज जो है वो 120 के 5 किलो मिल रहे हैं और गली में आ जाते हैं 30 रुपए किलो। 24 रुपए किलो यहाँ मिल रहे थे, यहाँ 5 किलो लेने पड़ते और बिना छटे हुए देता। गली में आराम से 30 रुपए किलो दे जाता है और छटे होते हैं, बढ़िया प्याज होते हैं, कोई नहीं गली वाले ही खा लेंगे। हर जगह आम ही आम है। देखो हमने जाना है आजा। अंकल नमस्ते। नमस्ते।
राजा क्या भी करता है? क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। थैंक यू सो मच। अच्छा बना रहा है। बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा घर पे रहो भाई। नहीं, अब जैसे तू जा रहा है, बाजार आया हुआ है, तो इसको जैसे कहाँ पे टिका लेते हैं? जैसे आगे टिका लूंगा, जब कुछ आएगा देखने को तो उठा के ऐसे दिखा दो। सुनाओ पापा, बढ़िया बढ़िया। हम तो देख लेते हैं रोज करके। मैं हम भी करो करो करो। अब कहाँ जाना तुम्हें? मैं घर ही जाऊंगा लेके। मैंने कहा तो था मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके। मेरे को तो नहीं बताई ये बात। चलो ओके बाय, थैंक यू। तो यहाँ मैं आया था अपने एक अंकल के घर, उनसे लेना था टाटा स्काई का एक बॉक्स जो मेरे पापा ने मंगवाया था। बाकी चलते हैं सीधा घर। ये भी गुड़गांव है। ये चार सेक्टर के पीछे वाला एरिया ऐसे कर रखा है। चार सेक्टर को तो पूरा सील कर रखा है हर जगह से। बंद हो गई। क्या कर रही थी? प्याज 120 रुपए के 5 किलो मिल रहे थे, लाने थे। यहाँ 30 रुपए किलो नहीं मिल जाते। ये मासी लगी हुई है, नानी लगी हुई है, ये मेरी मम्मी। अब तो डल गए, डल गई, डल गई, डल गई। इतने तो सुंदर लग रहे हो। इधर फंसी वाला फोटो है। ना ना, कपड़े उठाने की जरूरत कह नहीं। सही है। बाहर खुले अच्छे रहते हैं। मासी नेचुरल लुक। कौन सी? उसमें क्या होता है? अच्छा, वो जो लिप्स हिल जाते हैं जिसमें। नानी आपकी बना दूं बोम्बो? क्या बोम्बो बनानी है? पागल है, अपनी बना लियो बोम्बो। देख दी, ये शानू की हो रही है शादी और हम लोग देख रहे हैं इसको जूम पे। लाइट ने जरूर जाना था। ये डल गई वरमाला। क्या बात है। मुबारक हो भाई। खुश है। ओहो। सही है भाई, नाच ले। मैं आ गया। हमारे सोफे वाले रूम में ना छिपकली आ गई। नहीं, निकालनी है। रखी क्या कोई? मैंने रखी है ऐसे। तू जो कह रहा निकाल के आनी थी ना, छुप जाएगी तो कहाँ? सोफे के पीछे चली गई, मैं कैसे निकालता? निकल जाएगी तो कल सुबह झाड़ेंगे। तो आप सबके लिए एक न्यूज है। टाउन न्यूज ये है, जो आप मास्क यूज करते हो वो अगर पुराना है, आप बार बार उसे यूज कर रहे हो, तो उससे ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए कृपया अपनी सेफ्टी के लिए मास्क या तो धो के यूज करें, मरा जाने के बाद तुरंत धोएं आके, या फिर डेली नया मास्क, अगर डिस्पोजल लेते हैं तो डेली नया मास्क यूज करें। और कोई अगर पुराना मास्क है, पहले उसको सैनिटाइज करिए और फिर उसको काटिए और फिर फेंकिए, ऐसे डिस्पोज नहीं करिए। ठीक है, ये दूसरों की सेफ्टी। एक बार यूज किया हुआ मास्क दोबारा नहीं डालना। आज का दिन हमारा बहुत बिजी था। वो तो था, गर्मी सी हो गई है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। ऐसे नहीं है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। ख्याल रखिएगा। ओके बाय। बाय तो करो।